क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें बाइनरी नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 111 और 110। ठीक है, 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 2। अब देखिए जो बाइनरी की बेस होती है ना, उसमें या तो 1 आ सकता है या 0 आ सकता है, इससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जब 2 आ जाएगा इसके हमने फैक्टर बना लेने हैं, ऐसे तो 2 से इसको करना है, 2 1 2 क्या बचा, जब पूरा डिवाइड हो जाए तो यहाँ पर 0 लगाना है। अब ये 0 लगेगा यहाँ पर, और जो 1 ये 1 है ये आगे कैरी चला जाएगा। ठीक है, 1 आगे कैरी चला जाएगा यहाँ पर ऐसे। अब ये 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा 3। 3 हमने नहीं लगाना, 3 को यहाँ पर लिखेंगे और 2 के साथ इसका हल कर लेंगे, 2 1 2। अब 2 1 2 है तो 1 बचेगा, वो आगे चला जाएगा। ये 1 लगाएंगे यहाँ पर, अरे 1 कैरी, वो आगे कोई रकम नहीं है तो फिर हम पूरा लिख देंगे। ठीक है जी, ये हो जाएगी जमा आपकी। अब हम करते हैं जी इसका पार्ट नंबर 2। वन जीरो वन जीरो वन वन जीरो वन, और नीचे यहाँ से लिखेंगे 1 0 0 1 1। वन प्लस वन 2 होता है, 2 हम नहीं लिखेंगे, 2 के फैक्टर बना लेंगे, 2 1 2 तो पूरा तकसीम हो जाए तो 0 लगता है आगे। ठीक है, आगे क्या लग गया, 0। तो ये 0 हम यहाँ पर लगाएंगे और 1 क्या हो जाएगा, हमारा कैरी हो जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा। ये फिर 1 का 1 1 + 1 2, 2 कैसे फिर फैक्टर बनाए तो 0 आ गया, 1 कैरी चला जाएगा आगे, 1 + 1 फिर 2, 2 में से ये हमें फिर 0 निकला, फिर 1 कैरी आगे चला जाएगा, 1 + 1 2, 2 का फिर 0, 1 कैरी, 1 + 0 1, और ये 1 का 1। ये बेस 2 में आ गया तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है जी, आगे है जिसका थर्ड पार्ट, 1 0 1 1 0 1 1। नीचे है 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है जी, ऊपर वाली छोटी है, चलें जमा ही करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का 1 1 + 1 2, 2 के हमने फैक्टर बना लेने, 2 1 2 पूरा डिवाइड हो जाए तो 0 कैरी होता है, तो लग गया 0, मतलब 0 आ जाएगा, 1 ये आगे कैरी चला गया यहाँ पर, 1 + 1 2, 2 का लगा फिर 0, 1 कैरी, 1 2 3, 3 के हम फैक्टर बना लेंगे, 2 1 2 पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 1 बचेगा वो आगे आ जाएगा, तो ये लग गया 1 1, फिर कैरी, 1 1 2, 2 का लगा 0, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 का लगा 0, 1 कैरी। ठीक है, 1 2 3, 3 का लगा 1, फिर 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 का लगेगा 0, और जो कैरी 1 है वो आगे आ जाएगा। ये है जी बाइनरी की एडिशन। आगे है जी 3 वाला पार्ट, 4 वाला।
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 ठीक है। 1 का 1 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 1 1 2 2 का ठीक है वही ये वाला आएगी ऊपर वाले 0 लगाएंगे 1 कैरी लगता है 1 कैरी हो जाएगा। 3 3 का भी हमने किया हुआ है 1 आएगा 1 कैरी हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 2 का लगेगा 0 और 1 आगे चला जाएगा। आगे फिफ्थ पार्ट है वन जीरो वन वन जीरो वन वन कोई भी रकम हो सकती है आपको मेथड आना चाहिए। वन वन टू टू का लेगा 0 1 कैरी। 1 2 3 3 का लगेगा 1 1 कैरी। 1 1 2 2 का लगेगा 0 1 कैरी। 1 का 1 1 का 1 1 1 2 2 का लगेगा 0 1 कैरी। 1 का 1 और 1 का आगे जी इसका 7 वाला पार्ट इसमें हम माइनस करेंगे। अब 1 0 0 1 1 अब 0 में से 1 नहीं निकलता। जो हम आम यानी सब्ट्रैक्शन करते हैं ना उसमें हम जब कैरी लेते हैं ना तो 10 आता है। ये चूंकि बेस 2 वाले हैं तो अब जब कैरी लेंगे ना तो 2 कैरी आएगा। यहाँ पे 1 था 0 रह जाएगा। अब यहाँ से जब आगे कैरी जाएगा तो यहाँ 2 ही आएगा और यहाँ 2 था तो 1 रह गया। अब 2 में से 1 1 ये 1 में से 1 0 यहाँ पहले 0 था वो हम नहीं लिखते। तो ये हो गई सब्ट्रैक्शन। ठीक है एक और देखें 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 माइनस 1 में से 1 0 0 का 0 1 में से 0 1 0 में से 0 1 में से 1 0 सिंपल सी डिवीजन थी। आगे देखें आई एक्स वन 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 टू थ्री फोर फाइव सिक्स 1 0 वन वन 0 1 0 1 ठीक है। असल में मेथड सीखें आप रकम कोई भी वो दे सकता पेपर में। यहाँ से 0 में से 1 नहीं निकल सकता तो यहाँ से कैरी यहाँ से 2 यहाँ पर 0 रह जाएगा। आगे जब कैरी जाएगा यहाँ 0 यहाँ 2 आ जाएगा यहाँ 2 था यहाँ 1 रह जाएगा। आगे जाएगा तो 2 कैरी जाएगा यहाँ पर 1 रह जाएगा। 2 में से आगे 2 जाएगा 2 में से 1 कम हो जाएगा। आगे फिर 2 जाएगा पीछे 1 रह जाएगा। फिर 2 जाएगा आगे पीछे 1 रह जाएगा। 2 में से 1 1 1 में से 0 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 में से 1 0 1 में से 1 0 ये 1 का 1 1 में से 1 0 0 में से 0 0 1 में से 1 0 ठीक है जी। बाकी पार्ट्स आप खुद कर लें। ठीक है।